अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर का व्याकरण का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वाक्य के भेद। वाक्य के कौन कौन से भेद रहते हैं हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और ये 10वीं में भी आता है, 9वीं में भी, दोनों में आता है। 2 मास के लिए आता है वाक्य के भेद, 2 मास के लिए सवाल आता है। अब हम देखेंगे कि अब वाक्य के भेद देखने से पहले हमें देखना ये जानना जरूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहा जाता है वाक्य? शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिसका ऐसा वाक्य जैसा ऐसा वाक्य कहा जाता है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। अब हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य कौन से आधारों पर किए जाते हैं? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब जो एग्जाम में सवाल आता है वो रचना के आधार पर भी आता है और अर्थ के आधार पर भी आता है। रचना के आधार पर 1 मास के लिए आता है और अर्थ के आधार पर 1 मास के लिए आता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वाक्य किसे कहा जाता है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब उसे हम लिखेंगे कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर उसके कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहले हमने देखे वाक्य के भेद कितने हैं, तो 2 आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि उसके वाक्य में वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अब हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। और एग्जाम में इस पर सवाल भी रहता है। एक वाक्य दिया हुआ रहता है, उसको हमें पहचानना रहता है कि ये कौन सा वाक्य है। ऐसे लिखा रहता है सवाल में, लिखा रहेगा प्रश्न में, लिखा रहेगा कि रचना के आधार पर वाक्य पहचानिए, वाक्य का भेद पहचानिए। रचना के आधार पर आएगा पहचानने के लिए या फिर अर्थ के आधार पर पहचानने के लिए आता है। तो अभी हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है, पहला वाला वो देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहा जाता है? जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अब विधेय किसे कहा जाता है? विधेय कहा जाता है कार्य को। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य मतलब कर्ता और विधेय मतलब कार्य। जिन वाक्यों में एक विधेय होता है, एक कार्य हो रहा है, उन्हें क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही कार्य किया जा रहा है, विधेय होता है, इन्हें उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। इन्हें हम पहचाने में बहुत आसानी रहती है। जहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ही विधेय है, तो ये फौरन कौन सा वाक्य हुआ है? सरल वाक्य हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर है, पहला वाक्य है कोमल नाच रही है। अब इसमें जो है विधेय कौन सा हुआ? नाच रही है। ये क्या हो गया? उसका विधेय हुआ। इन्हें कार्य जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? नाचने का हो रहा है। तो कोमल विधेय, कोमल जो है इसके अंदर उद्देश्य है या कर्ता है, और विधेय क्या है या कार्य क्या है? नाच रही है। तो इसमें सरल वाक्य है, इसमें एक ही विधेय है, नाच रही है, ये जो हो गया ये क्या हो गया? ये हुआ सरल वाक्य। इन्हें पहचानने में एकदम आसान है। अगर हमें वाक्य पहचानना है कि ये वाक्य कौन सा है, तो हमको फौरन समझ में आएगा जब वाक्य पढ़ रहे हैं कोमल नाच रही है, इसके अंदर उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। उसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। नेहा खाना खाती है। अब यहाँ पर जो नेहा है वो क्या हुआ? उद्देश्य हुआ या कर्ता, और विधेय क्या हुआ यहाँ पर? खाना खाती है। तो यहाँ पर एक विधेय हो गया, ये कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। खाना खा रही है तो एक ही काम कर रही है, तो ये सरल वाक्य हो गया। लेकिन अगर इसमें अगर हम और जुड़ाएंगे, और विधेय जोड़ेंगे, तो वो दूसरा वाक्य हो जाता है। तो ये सरल वाक्य नहीं रहेगा, जिसमें एक ही विधेय रहता है वो सरल वाक्य। जैसे हमने देखे कोमल नाच रही है और नेहा खाना खाती है, एकदम आसान सा जुमला है, एक आसान सा सेंटेंस वाक्य रहता है कि जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। हम इन्हें इसे आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही विधेय है, एक ही कार्य हो रहा है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अब उसके बाद जो है उसका दूसरा भेद देखते हैं हम लोग। अर्थ रचना के आधार पर जो दूसरा है वो है संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो तथा दोनों समुच्छ बोधक अव्यय से जुड़े हैं, ये संयुक्त वाक्य है। जिसमें संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? जिसमें जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, सरल वाक्य जिन्हें एक जिसमें एक विधेय रहता है, ऐसे वाक्य दो या दो से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। लेकिन उसे जोड़ने का काम कौन क्या कौन करता है? समुच्छय बोधक अव्यय करते हैं। अब समुच्छय बोधक अव्यय कौन से हैं? जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बताया है हम लोग ने, देखें यहाँ पर, और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसीलिए, आदि। इतने सारे जो है ये क्या है? समुच्छय बोधक अव्यय। अगर हमको पहचानना है संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो हमें सबसे पहले देखना है, ये याद रहना जरूरी है कि जिसको जिससे जोड़ा जा रहा है, दो सरल वाक्य को जोड़ा जा रहा है, सबसे पहले तो इसमें दो सरल वाक्य जुड़ते हैं, दो सरल वाक्य है, और दूसरा समुच्छय बोधक अव्यय से उसको जोड़ा गया है। तो हमें जो समुच्छय बोधक अव्यय है उसको हमें याद रखना चाहिए, वो कौन कौन से जो हमने ब्रैकेट में लिखे हैं उसको हमें याद रखना चाहिए कि ये समुच्छय बोधक अव्यय है और इससे दो सरल वाक्य को जोड़ा जाता है, तो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर नीचे देखते हैं हम लोग, नीता कहानी कहती है और गीता पिक्चर देखती है। दो सरल वाक्य हुए इसमें, नीता कहानी कहती एक वाक्य हुआ सरल, और दूसरा गीता पिक्चर देखती है, ये एक सरल वाक्य हो गया। और दो सरल वाक्य को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो है और वो कौन सा है? समुच्छय बोधक अव्यय है। इन्हें दोनों जुमलों को, दोनों वाक्य को जोड़ने का काम वो कर रहा है, वो कौन सा है? समुच्छय बोधक अव्यय और जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसमें दो सरल वाक्य है, दो उसमें कार्य किए जा रहे हैं, एक कहानी कहती है, कहानी कह रही है, दूसरे क्या कर रही है? पिक्चर देख रही है। दो कार्य हो रहे हैं उसके अंदर, तो इसलिए जिसमें दो कार्य हो रहे हैं या जिसमें दो सरल वाक्य जुड़ रहे हैं उसे कहेंगे हम लोग संयुक्त वाक्य। एकदम आसान सा तरीका है इसको पहचानने का, दो सरल वाक्य जुड़ रहे हैं और उसको जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग सरल संयुक्त वाक्य। दूसरा जो उदाहरण है, आज बहुत वर्षा हुई और इसी कारण बाढ़ आ गई, ये भी दो सरल वाक्य है, आज बहुत वर्षा हुई, इसका पूरा पूरा अर्थ भी निकल रहा है, यानी अर्थ पूरा निकल रहा है, अर्थपूर्ण जैसा कोई वाक्य बोला जा रहा है तो उसका अर्थ भी पूरा निकल रहा है, आज बहुत वर्षा हुई, ये भी पूरा एक वाक्य हो गया। और दूसरा है इसी कारण बाढ़ आ गई, इसी कारण बाढ़ आ गई, दो अलग अलग सरल वाक्य है और इसको जोड़ने का काम भी क्या कौन कर रहा है? समुच्छय बोधक अव्यय और कर रहा है। तो इन दोनों की दो इस तरह से दो सरल वाक्य को जोड़ा जा रहा है उसे कहेंगे हम लोग संयुक्त वाक्य। दोनों भी पहचानने में एकदम आसान है, सरल वाक्य तो एकदम ही आसान है कि जिसमें एक ही विधेय रहता है, एक ही कार्य किया जा रहा है उसके अंदर, दूसरे जो संयुक्त वाक्य है उसके अंदर दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य जोड़े जाते हैं तो उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। गीता कहानी कहती है, गीता पिक्चर देखती है, दोनों का पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ऐसे वाक्य जो रहेंगे उसे कहा जाएगा संयुक्त वाक्य, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ते हैं उसे कहा जाएगा संयुक्त वाक्य। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, उसका तीसरा जो भेद है वो है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, दोनों कहा जाता है, ऐसे मिश्र वाक्य भी कहा जाता है और मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा गौण है, गौण या आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके अंदर कैसा है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक वाक्य ऐसा रहेगा जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलेगा और दूसरा गौण या आश्रित हो, या उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जब तक उससे दूसरा वाक्य जुड़ा नहीं जाएगा उसका अर्थ नहीं निकलेगा। और उन्हें भी जोड़ने का काम कौन करता है? उन्हें भी समुच्चय बोधक अव्यय ही जोड़ने का काम करते हैं, उन दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी समुच्चय बोधक अव्यय ही करते हैं जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, और, वो, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अथा, इसीलिए, आदि। यानी ये सब जो है जो संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक इस्तेमाल किए है जोड़ने का काम कर रहे हैं, वही जो है मिश्र वाक्य में भी वही जोड़ने का काम कर रहे हैं, दोनों वाक्य को जोड़ने का काम। लेकिन इसमें देखो सिर्फ फर्क ये क्या है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यहाँ पे देखो आधा जुमला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अब वो उसका अर्थ पूरा निकल रहा था, निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है कि क्या कहा था उन्होंने? नहीं, जब तक हम वो पूरा आगे का वाक्य पूरा नहीं करेंगे, जब तक इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। और उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की, समुच्छय बोधक अव्यय की है, वो इन दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
जब तक हम ये आगे का जुमला उसमें आगे का वाक्य पूरा नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो वाक्य पूरा नहीं होगा, इसका अर्थ पूरा पूरा नहीं निकलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस तरह से एक पूरा अर्थ, मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका एक पूरा वाक्य हुआ, और उसको आधा वाक्य जो जोड़ रहा है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यानी जो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जब तक हम दूसरा वाक्य उससे ज्वाइन नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक उस वाक्य का पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। तो उसे कहेंगे हम लोग मिश्र वाक्य। एक पूरा वाक्य रहता है और इसमें एक दूसरा कैसा रहता है, आश्रित वाक्य रहता है, गौण वाक्य रहता है। तो इस तरह से एक दोनों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करता है और ये वाक्य कहलाएगा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जब वो 2 दिन गांव में रहा तब वो सबका प्रिय हो गया। अब हमने पहला आप जो वाक्य पढ़े, जब वो 2 दिन गांव में रहा, उसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। लेकिन जब तक हम उसमें दूसरा वाक्य नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसका अर्थ पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तब वो सबका प्रिय हो गया, तब जो है ये क्या हुआ, उसने जोड़ने का काम किया, ये समुच्चय विस्मयादिबोधक अव्यय है। तब वो सबका प्रिय हो गया, जब वो 2 दिन गांव में रहा तब वो सबका प्रिय हो गया। इस तरह से दोनों को जोड़ने का काम तब कर रहा है, और एक वाक्य पूरा एक उसमें गौण वाक्य रहता है, दोनों को मिलाने के बाद जो वाक्य बनता है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। तो हमने अभी यहाँ पर देखा रचना के आधार पर, जो देखा 3 वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों हो गया, एकदम आसान से पहचानने का तरीका है उसका, कि किस तरह से सरल वाक्य में एक ही विधेय रहता है, एक ही कर्ता रहता है, दूसरा एक ही क्रिया होती है, दूसरा जो है संयुक्त है। संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य जुड़ते हैं, और उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो रहता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य उसे कहा जाता है जिसमें एक वाक्य पूरा रहता है, प्रधान वाक्य रहता है, और दूसरा गौण वाक्य रहता है, उसे कहेंगे मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर हमारे रचना के आधार पर तीनों भेद उसके हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद है। कितने भेद है इसके, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। इस तरह से जो है अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद रहते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद रहते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रचना के आधार पर है तो वो अर्थ के आधार पर लिख देते हैं, अर्थ के आधार को रचना के आधार पर लिख देते हैं। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, रचना में 3 वर्ड है, र, च और ना, ये रचना। तो उससे याद रखेंगे कि उसमें कितने कितने भेद है, उसके 3 भेद है। और अर्थ जो है वो अ से लिखा हुआ है, उसके 8 भेद है, यानी दोनों भी अ अ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे ये याद रखना है तुमको कि हमें अर्थ आया तो उसके 8 भेद है, और रचना आया उसमें 3 वर्ण है तो उससे 3 ही भेद है उसके। ये सबसे आसान तरीका याद रखने का, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। बच्चे हमेशा यहीं पर जंबल करते हैं, वो उल्टा कर देते हैं, जहाँ पर रचना के आधार पर लिखने के आता है वहाँ पर वो अर्थ के जो आधार पर भेद है वो लिख देते हैं, और जहाँ पर अर्थ के आधार पर है वहाँ पर उसे रचना के आधार पर लिख देते हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। उसमें जो पहला देखेंगे विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। अब इसे विधानवाचक वाक्य किसे कहा जाता है, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी कार्य को करने का करना, किसी वाक्य से यह समझ में आ रहा है कि कुछ कार्य किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य से वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, बताया जा रहा है कि कुछ कार्य किया गया है, कुछ क्रिया की गई है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, ये हो चुका है, यानी पक्षी वहाँ घोंसले में रहते थे और वो उड़ चुके हैं, इससे हमें पता उससे अंदाजा हो रहा है कि पक्षी यहाँ पर रहते थे, तो ये हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। दूसरा, कविता ने पाठ याद कर लिया है, कविता को पाठ याद करने के लिए दिया गया था, यानी काम हुआ है, क्रिया हुई है, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है। सबसे आसान तरीका इसका कि क्रिया हो गई है, इसको इसीलिए से समझ में आता है, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, तो दोनों क्रिया हो चुकी है, इसे कहेंगे हम लोग विधानवाचक वाक्य। ये हुआ पहला उसका अर्थ के आधार पर। अब हम देखेंगे दूसरा अर्थ के आधार पर जो दूसरा भेद है उसका, वो है
निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में निषेध या नकारात्मकता हो उसे निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में निषेध या नकारात्मकता है, जिसे नकारात्मकता जाहिर हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, निषेधात्मक कहेंगे या निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम लोग, अक्षर आज विद्यालय नहीं जाएगा, इसमें हो रहा है ना नकारात्मकता हो रही है, नहीं जाएगा, नहीं आया ना उसमें, अक्षर आज विद्यालय नहीं जाएगा, वो आज स्कूल नहीं जाएगा, तो ये नकारात्मकता हो रही है इसमें, इसीलिए कहेंगे, इसे कहेंगे निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। दूसरा, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, इसमें भी नकारात्मकता जाहिर हो रही है कि ऐसी सर्दी में तुम बाहर मत जाओ, तो ये भी नकारात्मकता जिससे जाहिर हो रही है, ऐसे वाक्य को निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा भेद देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सबसे आसान है, प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से, कोई भी प्रश्न जैसे पूछा जा रहा है, तो उसको सबसे जल्दी पहचान में आता है ये कौन सा हो गया है वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर ये जो प्रकार है ये बहुत सबसे आसान प्रकार है, क्योंकि फौरन समझ में आता है कि हाँ किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो गया है प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण देखेंगे उसका, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर भी सबसे आसान सा ही है कि पहचानने में फौरन समझ में आता है हमको कि जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है तो वो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी बहुत आसान है, जल्दी से समझ में आता है फौरन ही, जैसे जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है फौरन समझ में आ जाता है कि ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद वाला देखेंगे चौथा प्रकार, वो है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति अथवा उपदेश का भाव रहता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। किसे कहा जाता है, जिससे जिस वाक्य में आज्ञा हो रही है, किसी को आज्ञा दी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है किसी से, अनुमति की जा रही है किसी से, या उपदेश दिया जा रहा है किसी को, उसका भाव जाहिर हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम अभी चले जाओ, ये क्या क्या कहा गया इसके अंदर, तुम अभी चले जाओ, तो ये आज्ञा दी जा रही है किसी को कि तुम क्या करो, अभी चले जाओ, अपना काम समय पर करो, ये क्या कहा जा रहा है, अपना काम समय पर, आज्ञा दी जा रही है किसी को कि अपना काम तुम क्या करो, समय पर करो, तुम अभी चले जाओ, जिससे आज्ञा दी जा रही है किसी को, किसी से प्रार्थना की जा रही है या अनुमति की जा रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। ये भी एकदम आसान है। उसके बाद चौथा वाला, पांचवा वाला भेद देखते हैं हम लोग, वो है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट किए गए हो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से विस्मय, विस्मय, हैरत, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, घृणा आदि के भाव प्रकट किए गए हो उसे क्या कहते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, कितना सुंदर दृश्य है, जब हम खूबसूरत चीज कोई देख दृश्य देख रहे हैं, कोई चीज को देख रहे हैं, तो वैसे हमारे मुंह से फौरन निकलता है कितना सुंदर है। जैसे यहाँ कोई भी चीज देखे हमने, तो जैसे यहाँ पर वाक्य में हम देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है, जब हम बहुत अच्छी चीज देखते हैं तब हमारे मुंह से यही निकलता है। दूसरा है, सावधान, ट्रक आ रहा है, किसी को सावधान करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, या जहाँ सड़कों पर, रोड पर लिखा रहता है सावधान ट्रक आ रहा है, या ट्रक पर लिखा हुआ भी रहता है, तो ये किस लिए लिखा जाता है, सावधान करने के लिए लिखा जाता है, तो इसे कहेंगे हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। जिससे विस्मय जाहिर हो रहा हो, हर्ष जाहिर हो रहा है, शोक, घृणा आदि ये जाहिर हो रही है, उसे हम लोग कहेंगे विस्मयादि वाचक वाक्य। इसके बाद का जो छठा है वो है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा या आशा का वर्णन हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वक्ता की इच्छा या आशा, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हो या फिर आशा जाहिर कर रहा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ये क्या जाहिर कर रहा है, आशा जाहिर कर रहा है क्या, ईश्वर तुम्हें क्या करे, दीर्घायु करे, तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य।
आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाएगा बन जाए, ये भी क्या जाहिर की जा रही है, आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाए, ये भी आशा जाहिर की जा रही है, इच्छा जाहिर की जा रही है कि ये आज भी मेरा, आज जो मेरा काम है वो किसी तरह से बन जाए। तो ऐसे वाक्य को कहा जाएगा इच्छावाचक वाक्य, जिसमें वक्ता की इच्छा या आशा का वर्णन हो उसे कहेंगे हम लोग इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इससे आशा जाहिर हो रही है, इच्छा जाहिर हो रही है। उसके बाद जो सातवां है, सातवां पॉइंट है उसका, अर्थ के आधार पर सातवां पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, वो है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना की झलक मिले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्य से आप इसे देखेंगे हम लोग, संदेहवाचक वाक्य किसे कहा जाता है, जिस वाक्य में संदेह या संभावना की झलक मिले उसे कहेंगे हम लोग संदेहवाचक। संदेह हो रहा है हमें, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ या नहीं हुआ, जहाँ पर हम लोग जंबल हो जाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आता कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। संदेह होता है जिस बात में हमें, या संभावना होती है, या ऐसा लगता है कि हो चुका होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना की झलक मिले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, जैसे अगर बादल दिखाई देते तो हम खुद ही देखकर ऐसा बोलते हैं कि शायद आज वर्षा हो, और वर्षा होती भी है और कभी नहीं भी होती है, तो ये इसे बोलेंगे हम लोग संदेह, क्योंकि हमें संदेह है कि होंगी या नहीं होगी, हमें भी मालूम नहीं है। जो बात हमें मालूम नहीं रहती कि हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो उसे कहेंगे हम लोग संदेहवाचक वाक्य। दूसरा है अब तक फसल कट चुकी होंगी। हम अगर कहीं बाहर रहे और हमें पता नहीं कि खेत में क्या काम चल रहा होगा, तो हम सोच ये बोलेंगे कि हाँ काम होने वाला था, वो हो चुका है कार्य या नहीं हुआ ये नहीं पता। जब हम ऐसे संदेह रहता है हमारे मन में, तब उसे कहेंगे, या ऐसे वाक्य में संदेह जहाँ पर आ रहा है कि अब वो काम हो चुका है या नहीं हो चुका, तो उसे कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। जिसमें कार्य हुआ या नहीं हुआ वो हमें पूरी तरह मालूम नहीं रहता है, उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका अर्थ के आधार पर आठवां भेद देखेंगे, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम लोग, वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, क्या है उसका हम लोग देखेंगे वापस से, उसके व्याख्या देखेंगे। जिस वाक्य में संकेत या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी दूसरी वर्षा होगी उसके ऊपर ही डिपेंड, फसल अच्छी कब होगी, जब वर्षा होगी, वो दूसरे पर डिपेंड करता है, वर्षा और फसल जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, निर्भर कर रहा है या डिपेंड कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग संकेतवाचक वाक्य। वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अंक अच्छे आते। मेहनत और अच्छे अंक ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं उसे कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। वर्षा अच्छी फसल, मेहनत अच्छे अंक, यानी एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पर अभी जो ये अर्थ के आधार पर हमने आठ वाक्य देखे, आठ प्रकार देखे उसके, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने जो पढ़े पहले रचना के आधार पर पढ़े, रचना के आधार पर तीन भेद है, तो हमने कितना पढ़े, कितना हमको समझ में आया, इसके लिए थोड़े से यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं उसे हमें पहचानना है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब हमें इसमें से पहचानना है कि ये कौन कौन से वाक्य है। पहला है राम बाजार जा रहा है, इसमें कार्य कितना हो रहा है, एक ही कार्य हो रहा है, बाजार जा रहा है, एक ही हो रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया है, सरल वाक्य। राम बाजार जा रहा है तो ये हो गया सरल वाक्य, क्योंकि इसमें विधेय क्यों कितना विधेय कौन सा है, एक ही विधेय, हमने पढ़े कि सरल वाक्य में एक ही विधेय रहता है, तो ये यहाँ पर एक विधेय कौन सा है, इसमें बाजार जा रहा है, ये एक ही विधेय है, तो इसलिए ये वाक्य हो गया, पहला वाला जो वाक्य है वो है सरल वाक्य। दूसरा है सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया,
अब यहाँ पर देखें, सूर्य छिपा, ये एक वाक्य हो गया। अंधेरा छा गया, दूसरा वाक्य। ये दो सरल वाक्य हो गए, सूर्य छिपा एक सरल वाक्य, दूसरा अंधेरा छा गया ये दूसरा सरल वाक्य। और इन दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है, तो समुच्चयबोधक अव्यय कर रहा है। तो ये कौन से दो सरल वाक्य जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, इसे ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हुआ। तो इसमें तीसरा वाक्य है, पहले में पहला सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य। अब तीसरा वाक्य देखते हैं, संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं। संकट आ जाए, ये अर्थ पूरा निकल रहा है इसका, पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। ये कौन सा वाक्य है? गौण वाक्य है, आधा वाक्य है। अब उसके बाद जो है, तो घबराना उचित नहीं, घबराना उचित नहीं, ये एक वाक्य है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो कर रहा है, तो समुच्चयबोधक अव्यय कर रहा है। तो एक वाक्य पूरा, एक पूरा वाक्य और दूसरा गौण वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य हो गया है। पहला वाला सरल है, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा वाला मिश्रित वाक्य है। दूसरे में सरल दो वाक्य, दो सरल वाक्य इस्तेमाल जुड़े हैं, और तीसरे में एक गौण वाक्य, एक प्रधान वाक्य है और दूसरा गौण वाक्य है। तो इस तरह से ये तीसरा मिश्रित वाक्य हुआ। उसके बाद चौथा वाला देखते हैं, वो पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें एक ही विधेय है, पढ़ रहा है, तो ये एक ही विधेय हो रहा है इसके अंदर, तो इसलिए ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। पांचवा वाला देखते हैं हम लोग, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। अब जिन छात्रों ने परिश्रम किया, ये एक वाक्य है, और उत्तीर्ण हो गए ये दूसरा है। उत्तीर्ण हो गए, और जब तक हम ये जिन छात्रों ने परिश्रम किया, इसका अर्थ पूरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जब तक हम उसमें वे उत्तीर्ण हो गए ज्वाइन नहीं करेंगे, इसका अर्थ पूरा पूरा नहीं निकलेगा। इसीलिए ये पहला एक प्रधान वाक्य और एक गौण वाक्य, इस तरह से ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य हुआ। आखिरी वाला है, छठा है, सुषमा आई और चली गई। सुषमा आई ये एक वाक्य है, और चली गई ये दूसरा वाक्य, सरल वाक्य है। सुषमा आई और चली गई, ये दो, आना और चले जाना, ये दो अलग अलग उसमें विधेय है। तो दो सरल वाक्य जुड़ रहे हैं, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से ये जो रचना के आधार पर हमने देखे, तो उस तरह से ये पहला वाला सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्रित है, चौथा सरल वाक्य है, पांचवा मिश्रित है, और छठा जो है वो संयुक्त वाक्य है। तो इस तरह से उसके हमने उदाहरण भी देख लिए कि और कौन कौन से उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं आगे का रचना के आधार पर, अब उसके बाद हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हमें इसमें से भी पहचानना कि कौन सा वाक्य है ये। पहला वाला, मैंने खाना नहीं खाया। नहीं, नहीं आ रहा है तो इसमें नहीं आया, ये कौन सा वाक्य हो गया? मैंने खाना नहीं खाया, ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। नहीं आया इसके अंदर, निषेध किया जा रहा है, तो ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। दूसरा जो है, भारत एक देश है। भारत जो एक देश है, ये कौन सा हो गया है? ये वाक्य हो गया है विधानवाचक वाक्य। तीसरा वाला है, शांत रहो। इसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी को आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? आज्ञावाचक वाक्य, शांत रहो, आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद है, आह कितना सुंदर उपवन है, ये हो गया है विस्मयादि वाचक वाक्य। पांचवा वाला देखेंगे, नव वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष मंगलमय हो, तो हम इसमें क्या जाहिर कर रहे हैं? हमारी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, नव वर्ष मंगलमय हो, हमारी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। सोनू उधर रहता है या नहीं रहता है इसमें, सॉरी, सोनू क्या है? सोनू उधर रहता है, तो ये सोनू का हमें मालूम है कि वो कहाँ रहता है, उधर रहता है, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद का वाक्य है, सातवां है, क्या वो यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वो यहाँ आ गया। प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसके आगे, तो उसके देखकर हमें समझ में आ रहा है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब उसके बाद है लास्ट में, दशरथ कहाँ के राजा है। दशरथ कहाँ के राजा, ये कौन सा हो गया?
ये भी प्रश्नवाचक हो गया, दोनों में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो दशरथ कहाँ के राजा है ये भी प्रश्न वाक्य है, और दूसरा क्या वो यहाँ आ गया ये भी कौन सा है प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अर्थ के आधार पर जो आठ भेद देखे वो आठों के भी उदाहरण देखे हम लोग ने, और इसके पहले रचना के आधार पर देखे। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर समझाया हुआ पूरा समझ में आया होगा।